8000 का बोला, हां बोले राव जी 300। वो बोला यार डॉक्टर खतरनाक आदमी भाई, बस यार इससे कम लेना। वो 300 ले लिए, फिर दोबारा बोला भाई डॉक्टर साहब को इलाज में पट्टी बढ़ानी है। वो दोबारा फिर पहुंचता है डॉक्टर साहब के पास, बोले जी अब क्या मसला है। बोले जी मसला ये है डॉक्टर साहब, पहले मैं दवाई ले लिया था, जायका नहीं आता था, जायका आ गया। बोले अच्छा। अब वो डॉक्टर साहब से कहने लगे, डॉक्टर साहब ऐसा है देखो, मेरे भी जैन से निकल गया यार। अब यार था आगे चले जा रहे हैं। हाँ हाँ यार दस नहीं आ रही थी। बोला अच्छा। हाँ बोले 500 लेके छोड़ूंगा डॉक्टर साहब से, 300 ले लिए डॉक्टर साहब ने, 500 रुपया। अब साहब वो डॉक्टर साहब से बोला यार दस नहीं आ रहे। बोला अच्छा। डॉक्टर साहब ने कहा 7 नंबर वाली दवाई दे दो और इनके 2 मुंह में टपका दो। डॉक्टर साहब वो तो पेट्रोल है। बोले आ गए यार दस। बोला हाँ। बोले लाओ 300 पेट्रोल। अब बोले यार ये तो 300 तो फिर चलेगा वो है। चौथी मरतबा तीसरी मरतबा वो फिर कुछ 500 लिया चलाओ तीसरी मरतबा था। वो पूछे कि डॉक्टर साहब के पास पहुंचे कि डॉक्टर साहब मुझे दिखाई नहीं दे दिया, मुझे दिखाई नहीं दे दिया। बोले यार इसका इलाज हमारे पास नहीं है। बोले तो लाओ 500 रुपए। उन्होंने डॉक्टर साहब ने 200 रुपए थमा दिए और उन्होंने देखा डॉक्टर साहब ही तो 200 है। बोले माशाल्लाह। फिर मतलब दिखाई दे क्या। बोला हाँ। बोले लाओ जी 1500। वो बोले भाई साहब मेरा करा गया इलाज, मेरा खराब क्या करो, इलाज कराते कराते। अब साहब वो एक मौलवी साहब थे, ठेले में कुछ सामान लेके जा रहे हैं। जाने वाले ने कहा मौलवी साहब सलाम अलैकुम, खैरियत तो है? तो राम करेगा, रमजान चल रहा है, क्या लेके जा रहा हूँ। बोले भाई इसमें वो चीज़ें हैं कि जो रोजे की हालत में दिखा लो तो टूटे नहीं रोजा। तो मौलवी साहब ये तो ज्यादती है, यानी जो खाने वाली चीज़ रोजा न टूटने वाली वो छुपा के रखती हूँ। ये कौन सी तकलीफ है भाई, तबलीग करो तो पूरी करो। बोले तो खाओगे? बोला हाँ, ऐसी चीज़ तो हम खाएंगे जो रोजे न टूटे। बोले तो फिर आ जाओ। उन्होंने निकाल कर दो थी 3-4 बारी तड़ा सा। बोले ये क्या है मौलवी साहब? बोले ये तो वो चीज़ है जिससे रोजा नहीं टूटता, और खाओगे? बोले ना बस शुक्रिया, नहीं खाते। अब साहब एक दफा मौलवी साहब खड़े होकर पेशाब कर रहे थे, एक पंडित का गुजर हुआ। पंडित बोल के पेशाब कर रहा था तो मौलवी साहब का जब गुजर हुआ तो मौलवी साहब ने कहा पेशाब करके निपटा, बोले बगैर तुझे शर्म आनी चाहिए, तो हमारे किबले की तरफ को पेशाब कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? उसके 2-3 मारे। बोले मौलवी साहब गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा ऐसा। बोले ध्यान रखना खुदा। अब कुछ अर्से के बाद मौलवी साहब किबले की तरफ को खड़ो के पेशाब कर रहा है। पंडित बोला इनने मेरे बड़ा जलील किया था, आज इसको मैं बहुत जलील करूँगा, इस मौलवी को छोड़ूंगा। मौलवी जब फारिग हुए तो मौलवी से बोला मौलवी साहब कुछ शर्म कर लो, किबले की तरफ को पेशाब कर रहा तो खड़े हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैं मौलवी साहब ने 2 और मारे उसके बीच के। बोले आप क्यों मारे? पहले तो गलती की थी, अभी तो गलती भी नहीं की। बोले बेवकूफ तू काफिर आदमी है, तुझे क्या पता किबला क्या कहे? अबे हम मुसलमान ही, किबला हमारा हमारे बाप को तू कह रहे? बोले यार मौलवी की नौल्टी ली जाना सीधी ली जा, और कुछ ना अरे भाई अरे मेरा वेहला है। जा सकते हैं बैठे चाचा आ रहे यार, चाचा मुनीर सबर है आए।
ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ।